नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। फिल्मी दुनिया में जब भी किसी का निधन होता है, तमाम सितारे वहां पहुंचते हैं, मगर एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसे किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना नहीं पसंद था। IMDB ट्रिविया ने इस बारे में लिखा है कि दिग्गज एक्ट्रेस साधना शिवदेसानी कभी भी किसी के अंतिम संस्कार या अंतिम यात्रा में नहीं शामिल हुई। सिर्फ दो लोग ऐसे थे इंडस्ट्री में जिनकी मौत होने पर यह एक्ट्रेस वहां पहुंची थी। मैं बात कर रहा हूं 60 और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस साधना की। साधना ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वो ऐसे समय में क्यों नहीं पहुंचती थी। साधना शिवदेसानी का कहना था कि ये उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता था कि किसी की मौत के बाद उसी दिन उसके घर जाना। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता था। हालांकि जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो साधना खुद को रोक नहीं पाईं और वहाँ पहुँच गईं। ऐसी ही जब यश चोपड़ा की मौत हुई तब भी साधना वहाँ पहुँची थी। यश चोपड़ा के साथ साधना का प्रेम संबंध भी था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका था। जब उनका निधन हुआ तो वो उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा से मिलने पहुंची थी। वहीं राजेश खन्ना के साथ फिल्म दौलत में नज़र आने वाली साधना उनके निधन के बाद उनके घर पर पहुंची थी और उन्होंने डिंपल कपाड़िया से मुलाकात की थी। साधना शिवदेसानी ने फिल्म आरजू, आप आए बाहर आई, राजकुमार और वक्त जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। साधना कट हेयर स्टाइल भी उन्हीं के नाम पर मशहूर हुआ है। साधना शिवदेसानी करीना कपूर और करिश्मा कपूर की माँ, बबीता कपूर की चचेरी बहन हैं और दोनों एक्ट्रेस की मौसी लगती हैं। वहीं साधना एक्टर आफ्ताब शिवदेसानी की बुआ लगती हैं। साधना शिवदेसानी के चाचा के पोते हैं आफ्ताब शिवदेसानी। गुजरे जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक साधना को लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने का क्रेडिट जाता है। उनका हेयर स्टाइल साधना कट नाम से आज भी मशहूर है। इस हेयर कट की कहानी भी मज़ेदार है। दरअसल साधना ने अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया कि उनके बाल माथे पर रहें, लेकिन यह स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में तो हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। साठ और सत्तर के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में शुमार रही साधना के पीछे तब तक हर कोई रहा जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया। लेकिन जब उन पर मुसीबत आई और लोगों के सहारे की ज़रूरत महसूस हुई तो वो फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे हट गई। साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्होंने बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना पाल रखा था और वो फिल्मों में चली आईं। उन्हें पहला ब्रेक 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रहीं जिनमें साधना के काम को काफ़ी सराहा गया और वो सुपरहिट भी रहीं। साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नैयर 22 साल के। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालत बेहद ख़राब हो गई। नैयर का निधन 1995 में हो गया था। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। पति की मौत के बाद वो अकेले रह गई थीं। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया। वापस आने के बाद कई फिल्में की, लेकिन वापसी के बाद जो रोल उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत नहीं थीं और बस उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शन में जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी ज़िंदगी में ही रहीं। उनका अपना कोई करीबी नहीं था और गिरती सेहत और बाकी कामों को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। खुद इसका खुलासा साधना की खास दोस्त और हीरोइन तबस्सुम ने 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।